एक विद्यार्थी वधारे मेहनत करीने पण ओछा मार्क्स मेळवे छे, ज्यारे बीजो विद्यार्थी ओछी मेहनत कर्या छतां पण स्मार्ट वर्कना कारणे वधारे मार्क्स मेळवे छे। तो फ्रेंड्स, आ बन्ने विद्यार्थीओ वच्चेनो जे तफावत छे एनुं एक कारण पेपर लखवानी मेथड, पेपर लखवानी स्टाइल पण होई शके छे। तो नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ छूँ मयूर व्यास अने आजना वीडियोनी अंदर तमने जणावीश के इंटरनल एक्जाम होय के एक्सटर्नल एक्जाम होय एनी अंदर तमे केवी मेथडथी पेपर लखी शको छो, केवी मेथड यूज करवाथी तमे सारो कंटेंटनी साथे साथे सारा मार्क्स पण मेळवी शको छो। तो फ्रेंड्स, आ वीडियो बीए सेमिस्टर वन माटे ज नहीं परंतु कॉलेजना त्रणे वर्षना विद्यार्थियों माटे छे अने फक्त अंग्रेजी वाला विद्यार्थियों माटे नहीं परंतु तमाम विषयना विद्यार्थियों माटे छे। कारण के आ वीडियो पासलनो पर्पज एज छे के आपणे सौ साथे मळीने शीखीए के केवी रीते पेपर लखीशुं, केवी स्टाइलथी लखीशुं जेथी करीने आपणे वधारेथी वधारे मार्क्स मेळवी शकीए। फ्रेंड्स, कंईक आवी रीतनी सप्लिमेंटरी, कंईक आवी रीतनी पुरवणी तमारा हाथमां आवशे। तो सौ प्रथम आ जे लाइन देखाय छे एना अनुरूप एना बराबर एक वांसियो पाड़ी देवानो छे, एटले के तमारी जे सप्लिमेंटरी छे एने लेवलो लेवल वाळी देवानी छे। फक्त आटली नानी पट्टी में ज वाळवानी छे, वधारे मोटी पट्टी में वाळवानी नथी। आ वाळवानी शा माटे? कारण के आवनारा पेज ने तमे सारी रीते उथलावी शको, फेरवी शको अने लखवामां पण तमारुं सारुं परफेक्शन आवे। देखो फ्रेंड्स, तमे सरस रीते तमे आने फेरवी शको छो। तो आवी रीते सर्वप्रथम तमारे वांसियो पाड़ी अने स्केल लेवानी छे अने जे आ लाल लाइन देखाय छे ठीक एनी बाजूमां ज, ठीक एनी नजीक ज ब्लेक पेन थी हाईलाइट थाय एवी तमारा लाइन दोरवानी छे। ए जे रेड लाइन आवेली छे एनाथी वधारे दूर नहीं, बिलकुल नजीक ज, अने पछी तमे आवी रीते लाइन करी शको छो जेथी करीने तमारुं पेज कम्प्लीट आवुं शोभायमान थशे। तो तमारे एनी नजीक ज करवानी छे। तो एवी रीते लाइन कर्या पछी आपणे एक बे लाइन छोड़ी अने आपणो मुद्दो छे तेने लखी शकीए छीए, प्रस्तावना होय, मुद्दो होय, जे पण होय। अने ए लख्या पछी तमारे आवी रीते तमारी कला प्रमाणे एना उपर डिजाइन करवानी। हवे आपणो पेज आवी रीतनुं देखाशे। पछी कोईक लेखक हशे के कोई कवि हशे के कोई जे मुख्य नाम छे एने आपणे ब्लेक पेनथी लखीशुं अने एना पछीनी जे माहिती छे एने ब्लू पेनथी लखीशुं। तो ए फकरा माटे पण आपणे बे लाइन छोड़ी दीधी छे जेथी पेज पण भरशे अने साथे साथे सारो कंटेन्ट पण आपणे आपी शकीए। तो तमे जोई शको छो बे लाइननी अंदर आपणे चार लाइन जेटलुं कवर करी दीधुं। अरे यार, देखो शर्ट बदलाई गयो, शा माटे बदलाणुं खबर छे? कारण के तमे सब्सक्राइब नथी करता एटला माटे। तो फटाफट सब्सक्राइब करी अने बेलनो आइकन दबावी दो। तो फ्रेंड्स, एना पछी खास आपणे ध्यान राखवानुं छे के तमे कोई पण प्रश्न लखो छो, कोई पण विषय छे, चाहे इतिहास छे, गुजराती छे, अंग्रेजी छे। तो धारो के अंग्रेजीनी वात करीए कि गुजरातीनी वात करीए, तो कोई लेखक छे, कवि छे, तो इंग्लिशमां स्पेशियल जे इंट्रोडक्शन होय अथवा तो जे पण मुद्दो होय ए मुद्दानो साचो स्पेलिंग तमने आवडवो जोईए। जे पण कवि छे, लेखक छे, एनो पण साचो स्पेलिंग आवडवो जोईए अने एनी जन्म तारीख, एना एवॉर्ड्स, एना नोटेबल वर्क्स छे ए पण साचा स्पेलिंगनी साथे तमने आवडवा जोईए। तो फ्रेंड्स, तमे स्क्रीन पर जोई शको छो के जे वस्तु, जे माहिती खास छे अने तमने पाक्की आवडे छे एने तमारे ब्लेक बॉल पेन द्वारा उपसाववानी छे जेथी पेपर चेकरना नजर में तरत ज तमारुं जे नॉलेजेबल राइटिंग छे ते आवी जाय। पण कदाच तमने डाउट लागे छे के आ तारीख साची पण होई शके, खोटी पण होई शके, तो एने हाईलाइट करवानी जरूर नथी। अने कोटेशन तमारे फरजियात कोई पण लेखक होय, कवि छे, एने लखवानुं ज छे। कारण के कोटेशन एक एवी वस्तु छे जे तमारा प्रश्नने वधारे निखारी शके छे। तो फ्रेंड्स, आवी रीतनो प्रश्न छे जेने तमे जोई शको छो स्क्रीन पर। अने एना पछी हुं तमने एक प्रश्न बतावा जई रह्यो छुं जे सेम टू सेम छे। तो देखो फ्रेंड्स, हवे जे तमने स्क्रीन उपर देखाय छे ए प्रश्नने आपणे मेथडनी साथे लखेलो छे, ए लखाण छे एने મેથડની સાથે લખેલું છે, બરોબર? અને હવે તમે જે જોઈ શકો છો એ પ્રશ્ન અને આગળ જે મેં તમને બતાવ્યો એ સેમ ટુ સેમ જ છે। તમે ધ્યાનથી જોજો, એની અંદર એક પણ શબ્દ ઓછો કે વધતો નથી। પણ તમે જ સાચું કહેજો કે અત્યારે જે દેખાય છે એ પ્રશ્ન સારો ઉઠાવ આપે છે કે પહેલો જે તમને આવ્યો હતો એ સારો ઉઠાવ આપે છે, પહેલો જે હતો એ ઇમ્પ્રેસિવ છે કે આ ઇમ્પ્રેસિવ છે। तो मारो कहेवानो मतलब एम छे के मेहनत तो आ प्रश्न में पण मैं करी छे, समय तो आ प्रश्न में पण मैं आप्यो छे, पण लखवानी मेथड नथी। ओनी अंदर मैं वधारे लख्यु छे, साचुं लख्यु छे, छतां पण एक आखुं पेज भरणुं
નથી. જ્યારે આગળના પ્રશ્નની અંદર મેં એટલું ને એટલું લખ્યું છે, પણ એવી રીતે લખ્યું છે જેથી કરીને જોનારની દ્રષ્ટિને એટ્રેક્ટ પણ કરે છે અને સાથે સાથે આખું પેજ પણ એની અંદર કવર થાય છે. તો આ જે મેથડ છે તે દરેક વિષયના દરેક પેપરની અંદર તમે યુઝ કરી શકો છો. આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો ઉપયોગી લાગ્યો હશે, તો ફટાફટ શેર કરી દેજો, નહીંતર ફરીથી શર્ટ ચેન્જ થઈ જશે. બરાબર, તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. જય શ્રી કૃષ્ણ, વંદે માતરમ, જય હિન્દ.